तैयार हूँ, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है, गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है, एक मरेगा हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? और मारो गोलियों में, सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा होंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे नहीं। अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानीगंज प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए क्या फर्क पड़े, किसी को क्या फर्क पड़ता, उनका रास्ते कांटा आसान से निकल रहा है, तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं। लेकिन जनता समझ रही है, मेरे मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण दे के लेंगे और उस सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिसके अब संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं, पुलिस जांच कर रही है। मुझे उम्मीद है पुलिस फेर जांच करके कोई मैनिपुलेट करके नहीं सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे, अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से बोकर, और ये बीजेपी की भाषा है गोली मारो सालों को, ये वही उसी वो उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का, उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद आपत्ति बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है, मेरे लोग मेरे साथ हैं ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसकी जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है, मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता हूँ। सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा कुछ देखना है क्या? नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ बस सबका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये है मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो स्मृति लुट रही है, हर महीने रेप हत्या हो रही है, लोगों की जान जा रही है, ये सब उन पर वो करता है, तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे तो क्या फायदा, फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ ठीक हूँ, बस नहीं कोई रणनीति नहीं, पार्टी के सीनियर लीडर जो तय करेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, मेरे पीठ में जहाँ गोली लगी है वहाँ ड्रेसिंग जा रही है, पहले से आराम है, बस एक जलन और घाव है, जख्म वो तो है ही, तो सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, फ्लक्चुएट अप डाउन हो रहा था, वो ठीक है पहले से। ये आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है, और ये कोई पहला वंचित वर्ग कोई व्यक्ति नहीं, इसकी जान पे बनाइए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की